बैक टू माई व्लॉग। सो गाइज, आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट और आज हम लोगों ने की हो रखी है ट्विनिंग। हमारा कोई प्लान नहीं था ट्विनिंग करने का, बट कोइंसिडेंटली हो गई है, तो अभी लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम फटाफट से निकल रहे हैं, फटाफट से तैयार हुए हैं बस 5 मिनट के अंदर, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। यार वी आर गेटिंग लेट, हमें जल्दी जल्दी जाना है और फिर भी इस आदमी को खाने हैं गोलगप्पे। कितने बड़े गोलगप्पा लवर हो आप। तो गाइस अभी हम मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, तो अभी हम लेंगे अपनी मेट्रो, फिर हमें एक मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, फिर हम पहुंचेंगे। एज यूजुअल मेट्रो पर बहुत ज़्यादा भीड़। सो अभी हम लोग हैं मेट्रो स्टेशन पर, वी आर वेटिंग फॉर आवर मेट्रो। अभी हम हैं दिल्ली हाइट INA पे, अब हम लेंगे नेक्स्ट मेट्रो। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट। सो हम हो चुके हैं मार्केट के अंदर एंटर और यहाँ मैं इधर उधर घूम रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या आजकल आया हुआ है न्यू। यहाँ पे मैं एक ट्राउज़र देख रही थी, बट ये जो ट्राउज़र यहाँ पे 100-100 रुपए में मिल रहे होते हैं, ये यूज्ड होते हैं वो मोस्टली, तो आपको छांटना पड़ता है। उसके बाद मुझे इयर रिंग्स दिखे जो कि 20-20 रुपए में थी, छोटे छोटे से डेली वेयर के लिए, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत था तो बोले कुछ नहीं हम लोग। उसके बाद ये ख़रीद के हम निकल पड़े आगे कुछ और ढूंढने के लिए। यहाँ पे आपको 150-150 रुपए के टॉप दिख जाएंगे, शॉर्ट्स दिख जाएंगी। यहाँ से मैंने एक 150 रुपए की शॉर्ट लगी ली थी जो कि बिल्कुल भी 150 रुपए की नहीं लग रही थी, यहाँ पे 100-100 रुपए के टॉप मिल रहे थे। फिर मेरा मन था कि मैं एक सूट खरीदूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया और इन भैया ने बहुत महंगा भी लगा रखा था। उसके बाद मुझे ख़रीदना था एक बैग, बट जो भी बैग मुझे पसंद आ रहा था ये बहुत हाई फाई रेट बताए थे, इससे अच्छा तो हम अच्छी सी शॉप से ले लेते। फिर यहाँ पे मैं बैग उठा के देख रही थी, बहुत ही क्यूट सा था, मुझे लेना नहीं था बट मुझे क्यूट लगा तो मैं ऐसे ही देखने चली गई। इसके बाद भी मैंने बैग देखे और बट ये बहुत ही ज़्यादा महंगे लगाए थे, जितना इनका प्राइस नहीं होना चाहिए था। फिर देखे हमें ये 150 रुपए के सूट, मतलब 150 रुपए में आपको कुर्ता भी मिल रहा था और प्लाजो भी। ये इसकी क्वालिटी पर अच्छी नहीं थी, एक बार पहनने के बाद ही ख़राब हो जाते, तो मैं देख के आई कि ऐसा क्या है इनमें जो 150 रुपए के लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ मिले थे 50 रुपए के टॉप पर, ये अच्छे नहीं होते हैं, यूज्ड होते हैं मोस्टली, तो लेना मैं प्रेफर तो नहीं करती, बस ऐसे देखती हूँ। इन सब सस्ती चीज़ों में कई बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, पर ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मैं ढूंढ रही थी अपने लिए एक ट्राउज़र, पर मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था और ये वाला ट्राउज़र मुझे तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि मैंने बताया यूज्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टॉप खरीदे जो कि नए थे, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ यूज्ड है कौन सी अनयूज्ड है। मुझे ये वाला पसंद आया था बट इसका मुझे शेप अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने ये छोड़ दिया, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं निकल पड़ी आगे। ठीक है,
बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और मैं कोई ड्रेस देखनी थी, वो मुझे मिल नहीं रही है। हमने पता नहीं क्या क्या खरीद लिया है। यहाँ पे मिली 250 की चप्पल। प्रशांत जी गाय भूल चुके हैं एज यूजुअल। कहाँ गए? मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आ रही है। 350 नीचे लग रही है हमें। कैसे भागते हैं पुलिस वाले आए? नहीं ये अनऑथराइज्ड है यहाँ पे। नहीं एयरपोर्ट चुके तो गाइज़ आज मैंने बहुत सारे झुमके ख़रीद लिए थे। ये वाला स्टॉल हमें दिखा जो कि बेच रहे थे 30 रुपये में जस्ट। कोई सा भी आप ले लो 30 रुपये में। तो मैं तो यहाँ ईमानदारी से बैठ गई नीचे और फटाफट से ढूंढने लग पड़ी। इतने सारे ऑप्शन थे कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा खरीदूँ। फाइनली फिर मैंने ख़रीद लिए एक दो। आ गए और छा गए। और हम लोग आए लेट थे तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। How much is this for? अब हम निकल रहे हैं घर के लिए वापस। तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। इस व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।